अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटनरी प्लैनेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमूनिया ड्यू टू रेन, मतलब बारिश में नहाने की वजह से नमूनिया का हो जाना। नए आने वाले मोजिज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि वेटनरी प्लैनेट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको इस पेशेंट की हिस्ट्री बताते चलें कि ये बैल तकरीबन 4 से 5 दिन से बीमार है और इसकी वजह बनी है कि ये बारिश हुई है और मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम दाखिल हो रहा है और रात को नमी भी काफ़ी होती है, तो ये बैल सारी रात बारिश में खड़ा रहा है और नहाता रहा है बारिश में, जिसकी वजह से अगले दिन इसको बुखार हो गया और फिर डॉक्टर्स इसको चेक करते रहे मुख्तलिफ, और मुसलसल ये फिर भी रात को खड़ा रहता है बाहर ही और नमी होती है रात को, तो इसका जिस्म सारा अकड़ गया है और इसका खाना पीना भी बंद हो गया है और इसको इन्होंने ज़बरदस्ती फिर खिलाने पिलाने की कोशिश की है, जिससे इसको डायरिया लग गया था, ब्लैक कलर का डायरिया, और सांस भी खींच कर लेता था ये, जबकि टेम्परेचर इसको बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने इसको ट्रीटमेंट्स दी हैं, कल भी हमने इसको ट्रीटमेंट दी थी और मज़ीद आज हम इसको फॉलो अप ट्रीटमेंट देने के लिए आए हैं और कल से ये बहुत बेहतर है। तो ये सब कुछ आपको वीडियो में दिखाया है, गौर से देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, दोस्तों आज हम ये एक पेशेंट के पास मौजूद हैं, इस बैल के पास। इसका इशू ये था कि ये बारिश में खड़ा रहा है सर रात और ये तकरीबन 5 या 6 दिन से बीमार है। टेम्परेचर हमने इसका चेक किया है, टेम्परेचर इसका 103 है। हाँ जी, हाँ जी, चेक कराओ, देख रहे हो। तो कल भी हमने इसको ट्रीटमेंट दिया है, तो कल की ट्रीटमेंट से बेहतर है। इसको डायरिया था ब्लैक कलर का, स्टमक इसका बिल्कुल डिस्टर्ब था, तो कल हमने इसको ट्रीटमेंट दिया था, आज बेहतर है, इसने कुछ खाया पिया है, तो इसको आज हम फॉलो अप ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पे हैं उधर। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है। अब ये देखें, ये कल बिल्कुल इसका बिल्कुल पानी की तरह डायरिया था, बिल्कुल पतला शूटिंग डायरिया टाइप था, और आज देखें कि तकरीबन 20 घंटों में जो है इसका काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। तो अभी हम इसको ट्रीटमेंट देने लगे हैं। कल जो हमने इसको ट्रीटमेंट दी थी उसमें इसको हमने दिया था एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है, और साथ हमने इसको लगाया था 50 ml ड्यूरालीन, इसमें है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद है इसमें, ठीक है, और हमने इसको दिया था मिलोक्सिकेम, क्योंकि इसके जो जिस्म है सारा पकड़ा हुआ था, और इसको हमने दिया था विटामिन साथ में, जिसमें विटामिन B12 है, और हमने इसको डेक्सामेथासोन जो है साथ में लगाया था। वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है, तो साथ में हमने इसको डेक्सामेथासोन लगाया था। आज हम इसकी ट्रीटमेंट रिपीट करेंगे, आज हम इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन साइक्लिन की जगह अच्छा इंजेक्शन लगाएंगे, वो हमारे पास था 50 mg में, ये हमारे पास है आज 300 mg में, ठीक है, और साथ में इसके फ्लोनिक्सिन मिग्लोमिन भी है, तो ये आज हम इसको लगाएंगे, वेटोक्सी के नाम से इंजेक्शन है हमारे पास, और हम इसको मिलोक्सिकेम लगाएंगे, एट्रोपिन आज नहीं लगाएंगे, इसका मैदा ठीक हो गया, इसको स्टीराइड भी नहीं देंगे, इसको विटामिन देंगे, और इसको भूख लगाने के लिए हम विटामिन बी कम्प्लेक्स देंगे, और साथ में हम इसको एंटी एलर्जिक के तौर पे जो है फेनरामीन देंगे। तो अभी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पकड़ो जी बल्द, जब अच्छे पानी भर के लेके पानी लाया, और मोटर चला डब्बे पानी लाओ, हम 15 ml इसको लगा रहे हैं। ले आओ जी, ले आओ, जल्दी ले आओ, पानी ले आओ, पुत्र पानी ले आओ, जल्दी
कल हमने लगाया था इसको 15 ml, आज हम इसको देंगे 20 ml लिवर टॉनिक के तौर पर। विटामिन डी कॉम्प्लेक्स लूज वाइल बची हुई है तो उसमें से लगाएंगे। ये हमने इसको लगाना 15 ml, ओवरडोज नहीं करना नहीं तो फिर डायरिया हो जाएगा। और परली साइड से ही लाना, परली साइड से ही लाना है, बहुत लग रही है। हाँ जी ये तो लगना है। चलना चलो भाई, तो कैमरा चलता जी पे। हमने इसको लगाना है 25 ml, दो जगह करता हूँ जी कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।